हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर रोल रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल मैदा लिया है, 200 ग्राम पनीर, कुकिंग विनेगर, हरा धनिया और पुदीना ये मैंने मिक्स करके लिया है, ऑयल, सोया सॉस, टोमेटो केचप, शिमला मिर्च स्लाइस की हुई, ऑनियन स्लाइस किया हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और जीरा और राई ये मैंने मिक्स करके लिया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम डो बना के लेंगे। एक कप मैदा लिया है यहाँ पे। अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे, और नमक, ये सारा अच्छे से मिक्स करके लेंगे। सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना के लेंगे। फ्रेंड्स, हमें डो सॉफ्ट बनाना है और हमारा डो अभी सॉफ्ट भी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। तब तक हम पनीर की स्टफिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम पनीर की स्टफिंग बनाएंगे। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। अब हम इसमें डालेंगे एक स्लाइस किया ऑनियन मीडियम साइज का। इसे हम थोड़ा ही पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नहीं पकाएंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 छोटा चम्मच, एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च स्लाइस किए हुए, और इसमें डालेंगे नमक। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी फ्रेंड्स सारी सब्जियों में डालनी चाहिए, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच कुकिंग विनेगर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारा हम मिक्स करेंगे। ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। फ्रेंड्स, टोमेटो केचप ये मैंने घर पे बनाया है और इस रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ज़रूर देखिए। और लास्ट में हम डालेंगे पनीर। यहाँ पे मैंने पनीर 200 ग्राम लिया है। अब ये मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे धनिया और कुछ पुदीना के पत्ते। अब हम इसे 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख देते हैं और गैस का फ्लेम मैंने लो किया है। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और इसे मैंने लो फ्लेम पे पकाया था। हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर रखती हूँ। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए हैं और हमारा डो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस डो को डिवाइड करके लेती हूँ 2 पार्ट में। मैंने डो को राउंड करके लिया है।
अब हम आटा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे और रोटी बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने रोटी बना के ली है। अभी मैंने गैस के ऊपर तवा रख दिया है, हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल तवे के ऊपर डालूंगी और इसके ऊपर हम रोटी डालेंगे। फ्रेंड्स, रोटी के ऊपर बबल आ रहे हैं। अब मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरे साइड से भी इस तरीके से ही हम रोस्ट करेंगे रोटी को। फ्रेंड्स, हमारी रोटी दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से हमें दूसरी भी रोटी तैयार करनी है। फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे स्टफिंग, लेकिन स्टफिंग के पहले रोटी को हम टोमेटो केचप लगाएंगे। नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन टोमेटो केचप से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारा स्प्रेड करेंगे अच्छे से। रोटी के ऊपर मैंने टोमेटो केचप लगाया है। अब हम पनीर का स्टफिंग करेंगे। अब हम स्टफिंग के ऊपर डालेंगे चाट मसाला और एक पिंच नमक। और अब हम इसे रैप करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे पहले और बाद में बटर पेपर से हम इसे रैप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे सर्व करती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे डिलीशियस पनीर रोल रेडी हो गए हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।